काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। कल रात्रि में डायल 100 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी। डायल 100 तत्काल एक्सीडेंट वाले एरिया में पहुंची और जो स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और जो वाहन हैं वो वाहन रख लिए गए हैं, थाने में वाहन रख लिए गए हैं। अभी वर्तमान में कोई भी व्यक्ति नहीं आया है जो कायमी कराने के लिए आया है। जैसे ही कोई व्यक्ति शिकायत और कायमी कराने आता है उक्त संबंध में संज्ञान में लिया जाएगा। लोकेश पांडे जो हैं वो स्कॉर्पियो चालक थे और गाड़ी में तहसीलदार लिखा हुआ था। उस संबंध में जानकारी और पेपर्स के संबंध में जानकारी ली गई, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि पूर्व में यह अनुबंधित गाड़ी थी जो अनुबंध हटा दिया गया था, परंतु नेम प्लेट उन्होंने नहीं हटाई थी। मामला संज्ञान में आया है और उसको जांच में लिया गया है। आगे जो कार्यवाही होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। गाड़ी में लाल बत्ती मिली। उक्त संबंध में मामला संज्ञान में आया है, गाड़ी थाने में रख ली गई है और मोटरसाइकिल भी, और उक्त संबंध में जो भी आगे कार्यवाही होगी आपको अवगत कराया जाएगा। दर्ज हुई है नए कानून के लिए जी, कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? ये 296, 351(2) में आज भारतीय न्याय संहिता में एक फर्स्ट FIR यहाँ पर हुई है सिविल लाइन थाने में, और इसमें फरियादी रितु हैं उनको FIR कॉपी दी गई है, जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आप स्वयं मौजूद रहे हैं? हाँ, हम लोग आज चूँकि पहली FIR थी इसलिए मैं DIG साहब और हमारे SP साहब सब सभी मौजूद हैं यहाँ।